हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीटी अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन पर। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है जो 99% लोगों का होता है कि हम अपने डॉग को एग्रेसिव कैसे बनाएं। जब हमारे घर में कोई आता है, कोई स्ट्रेंजर आता है, तो हमारा डॉग उस पर भौंकता नहीं है, कुछ नहीं करता उसके साथ, बल्कि खेलने लगता है, फ्रेंडली हो जाता है। तो हम कैसे उसको एग्रेसिव बना सकते हैं ताकि कोई आए तो वो उस पर भौंके, तो ये सभी आज मैं वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, प्रॉपर देखना, अगर आपको भी अपने डॉग को एग्रेसिव बनाना है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि लैब्रा एग्रेसिव नहीं बनेगा, कोई भी आप जो तरीका मैं बताऊंगा इस वीडियो में आप पूरा देखना, आप अपने लैब्रा डॉग को भी एग्रेसिव बना सकते हो, किसी भी ब्रीड को। दोस्तों, मैं तीन तरीके बताऊंगा जिससे आप 100% अपने डॉग को एग्रेसिव बना सकते हैं। पहले तो आपकी डॉग की एज क्या है, इसमें वैसे कोई एज मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आपका पपी अभी छोटा है, 2-3-4 महीने का है, तो वो बहुत जल्दी समझ जाएगा इस बात को। अगर थोड़ा एडल्ट है तो थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, हमें सबसे पहला क्या करना है, हमें सबसे पहले अपने डॉग को ऐसी जगह रखना है या अपने पपी को ऐसी जगह रखना है अपने घर में जहाँ पर वो सिर्फ आपके फैमिली मेम्बर्स को ही देखे, आपके फैमिली मेम्बर्स के ही साथ खेले, उनके हाथों से ही खाना खाए, सिर्फ उन्हीं को चारों तरफ देखे और किसी को ना देखे, एनी अदर पर्सन, वो किसी को भी ना देखे। इससे क्या होगा, उसे पता चल जाएगा कि आपके फैमिली मेम्बर्स कौन, उसके फैमिली मेम्बर्स कौन है और बाहर का कौन है। देखो, जब उस डॉग को पता ही नहीं होगा कि ये मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर ये बाहर वाला है, तो वो किसी पर एग्रेसिव हो ही नहीं सकता, वो सबके साथ बिहेवियर फ्रेंडली रखेगा। ऐसा होता है जब भी आप कोई नया पपी लेकर के आते हो, आपने हमेशा देखा होगा, कोई भी होता है सब कहते हैं भैया दिखाना पपी, इसका नाम क्या है, उसको प्यार करते हैं, उसको छेड़ते हैं, ज़्यादातर आस पड़ोस वाले उसको प्यार करते हैं, उसको अपनी गोद में खेलने के लिए ले लेते हैं दिन में कि हम दे देंगे शाम को। तो इससे क्या होता है, वो आपके फैमिली मेम्बर को तो जानता है, लेकिन आपके आस पड़ोस को भी उतना ही जान लेता है जितने आपके फैमिली मेम्बर्स को। तो इससे उसे फ़र्क मालूम नहीं हो पाता कि कौन मेरे से, कौन मेरा बाहर वाला है, कौन घर वाला है, कौन फैमिली मेम्बर है। तो इससे अगर आपके घर में चोर भी आ जाएगा ना, तो वो उस पर भी नहीं भौंकेगा, चाहे आप पिटबुल ले लो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, पिटबुल भी ले लोगे ना, वो भी भौंकेगा और वो फ्रेंडली हो जाएगा। तो दोस्तों, हमें इतना फ्रेंडली, थोड़ा बहुत फ्रेंडली सही है कि किसी पर वो अटैक ना करे, बट इतना फ्रेंडली सही नहीं है कोई चोरी करने आए वो उसके साथ भी खेलने लग जाए, तो ये बिल्कुल बेकार है। तो दोस्तों, मैंने जैसा कि बताया आपको, आप घर में एक ऐसी जगह फिक्स करिए जहाँ पर किसी का आना जाना ना होता हो, मतलब सिर्फ आपके घर वाले ही आते जाते हों और किसी का आना जाना ना होता हो। तो इससे ऐसा होगा, वो आपके घर वालों को जान जाएगा कि हाँ, ये मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, और बाकी अगर कोई एनी अदर पर्सन, आपके आस पड़ोस वाला कोई जान पहचान वाला अगर कोई आता है, तो उस पर एग्रेसिव होगा। ये तरीका बिल्कुल 100% काम करता है, ये मैंने खुद देखा हुआ है। और सर, सेकंड जो तरीका है वो है, थोड़ा आपको भी बताना पड़ेगा अपने डॉग या पपी को कि कैसे उसको एग्रेसिव होना है, क्यों एग्रेसिव होना है। जब उसको पता ही नहीं है एग्रेसिव क्यों होते हैं, कब होते हैं, तो वो होगा ही नहीं। दोस्तों, आपको फीड लेनी है, चाहे वो एडल्ट हो पपी हो, कुछ एज मैटर तो करती नहीं है, थोड़ी एडल्ट में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन पपी में तो बहुत जल्दी हो जाएगा। आपको फीड लेनी है, जो भी उसकी मनपसंद फीड हो, जो भी वो बड़े चाव से खाता हो, मनपसंद हो, तो दोस्तों आप उसकी फीड ले लीजिए। और कोई एक बंदे का सहारा आपको लेना पड़ेगा जो, जिसको वो आपका डॉग जानता ना हो। तो दोस्तों, उसको लेके आइए और अपने छत पे शाम के टाइम, मॉर्निंग में जब आप करना चाहते हो, उसको हल्की सी ट्रेनिंग दीजिए, थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग डेली दीजिए, ये नहीं आपको एक ही दिन में ट्रेन करना है, थोड़ा थोड़ा डेली करिए उसको। उसको एग्रेसिव इसलिए बनाना है दोस्तों, जो सामने वाला बंदा है, जिसको मैंने कहा कि आप कोई ऐसा बंदा लेके आइए जिसको डॉग जानता ना हो, आप अपने डॉग से कहिए, जैसा हम नॉर्मल कहते हैं, कोई अगर कोई स्ट्रीट डॉग मिलता है, कोई आदमी भगता है, कोई बच्चा भगता है, तो हम अक्सर डॉग से कहते हैं सू, टॉमी सू, सेरू सू, दो, ये वगैरह हम वर्ड यूज़ करते हैं ताकि वो भौंके। तो ये वर्ड आपको भी यूज़ करने, अगर वो भौंकेगा तो आपको जो फीड ली है आपने, उसको दीजिए, वो अच्छे से खाएगा, एक दो उसके दाने दे दीजिए फीड के, और उसके ऊपर हाथ फेरिए, गुड बॉय कहिए या गुड गर्ल कहिए। तो इससे क्या होगा, आपका डॉग समझेगा कि हाँ, अब ये मेरे को भौंकने के लिए कह रहे हैं, तो इससे वो एग्रेसिव होना सीखेगा धीरे धीरे। और दोस्तों, 99% मैंने ये देखा या अक्सर देखा जाता है, अगर आप अपने डॉग को चेन करके रखते हैं, चेन करना, अगर आप अपने डॉग को बांध कर रखते हैं दिन में ज़्यादातर टाइम, तो आपका डॉग 100% एग्रेसिव अपने आप ही हो जाता है।
दोस्तों मैंने एक लैब्राडोर देखा था, वो दिन में मान लीजिए खुलता ही नहीं था, बंदा ही रहता था, 1-2 घंटे के लिए खुला, बाकी बंदा है, वो 22-23 घंटे बंदा है। तो दोस्तों उसमें ऐसा था, अगर कोई कोई और बंदा आस पड़ोस का उसके घर में कोई पैर रख देता था ना, तो ये मान लीजिए वो ऐसा करता था, उसको फाड़ी देगा। तो दोस्तों जिन जो भाई जिन पे डॉग है और वो उसको ज़्यादातर चैन करके रखते हैं, ये थोड़ा बुरा तो है, बुरा तो है, लेकिन अगर आपको एग्रेसिव करना है तो बिल्कुल ये फॉलो करना पड़ेगा। आप उनसे पूछ सकते हो जिनके पास डॉग है और वो चैन करके रखते हैं, तो दोस्तों वो आपको खुद बताएंगे उनका डॉग कितना एग्रेसिव होगा। तो ये कुछ मैंने 3